अभी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो मालेगांव शहर में चल रहे हैं उस पे किस तरह से कुछ लोगों के कुछ कमेंट्स के कारण कुछ ऐसे हालात निर्माण हुए थे जिससे कुछ लोगों की भावनाएं भी रुकी थी। कहीं पे हमें लगा कि इससे जाति धर्म और भावनाओं का भी कुछ लोगों की भावनाएं भी रुकी थी। इस तरह के कुछ पोस्ट फॉरवर्ड किए गए थे, कुछ पोस्ट डाले गए थे। उसमें बहुत बार दो तीन चीजें होती हैं, एक तो कि वो पोस्ट कहीं दूसरी जगह बाहर चल रहा है और वो आई और उसको आपने फॉरवर्ड कर दिया। दूसरी है कि दोनों इंसिडेंट्स में हमने देखा जो पिछली दो घटनाएं हुई हैं उसमें हमने देखा कि दोनों ही इंसिडेंट्स में वो दोनों पोस्ट जो अलग अलग प्रकरण है दो अलग अलग ग्रुप के इस्तेमाल करते हैं और उसको यहाँ से एडिट करके फोटोशॉप करके कमेंट डाल करके उसको ग्रुप्स पर डाला गया। उसमें हमने देखा कि एक प्रकरण में कुछ एक जनप्रतिनिधि लोक सेवक जिनको हम बोल सकते हैं उनके खिलाफ या उनके उनके नातेवाई उनके रिश्तेदारों के खिलाफ कुछ भड़कीले उनके फोटो एडिट करके उस ग्रुप पर डाले गए थे, जिसको लेकर के किसी को भी मेरे भी अगर घर के किसी आदमी कि आप कोई भी पोस्ट डाल देंगे तो मुझे भी बुरा लगेगा। जो प्रोफेशनल चीज है वो प्रोफेशनल लेवल पे डील होनी चाहिए, उसकी पर्सनल लेवल पे कोई उसकी स्पेस नहीं होनी। दूसरे मैसेज में धार्मिक भावनाओं को दुखाने वाली एक पोस्ट सर्कुलेट की गई पिछले दिन में, जिसको लेकर के हमने दो अलग अलग गुना दाखिल की। एक गुना जो पहला गुना दाखिल किया एक ग्रुप के एडमिन और जिन लोगों ने किसने उकसाया, इसको लेकर के हमने माननीय कोर्ट से पुलिस कस्टडी मांगी थी और कोर्ट ने हमें पहले वाले प्रकरण में 5 दिवस 12 तारीख से 17 तारीख तक 5 दिन की पुलिस कस्टडी और दूसरे प्रकरण में 8 3 दिन की पुलिस कस्टडी दी। तो कोर्ट भी इस मामले को लेकर के बहुत ही जागरूक है, कोर्ट को भी लगता है कि ये मामले बहुत संवेदनशील होते हैं जिसको लेकर के मामला और जो शांति और अमन है वो बिगड़ सकती है, इसके लिए भी कुछ सोच समझ करके कोर्ट ने हमें पुलिस कस्टडी दी होगी। आगे जो है वो मैं बाद में आता हूँ। एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगा, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के नाम है मेरे पास, मैं कुछ उसमें कुछ नाम है जो किसी राजनीतिक दल से या किसी गठबंधन से रिलेटेड है तो मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ। कुछ झानू बाबा ग्रुप, तामू बाबा ग्रुप, असेंबली ग्रुप 2019, कायदे सरदार ग्रुप, कायदे नस्ते नौजवान ग्रुप, सिपले सरदार ग्रुप, इसके अलावा 8-10 और ग्रुप के नाम है मेरे पास। आप लोगों को अगर लगता है कि पुलिस विभाग व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, उस पर पुलिस की नजर नहीं है, तो हम आपको 50 ग्रुप के नाम बता सकते हैं जिसको हम बाकाई से हम फॉलो करते हैं देखने के लिए कि उसमें ऐसा कोई पोस्ट नहीं हो रहा हो जिसको लेकर के किसी भी आदमी की भावना दुखे या किसी भी तरह से कायदा और सुव्यवस्था का भंग होने का प्रश्न निर्माण। तो हमें बस उस ग्रुप में क्या हो रहा है इतने देखने तक का मौका दीजिए, उसके आगे उसमें उस ग्रुप पे किसी पोस्ट को लेकर के कार्रवाई करने का मौका नहीं देंगे आप लोग, यही आपसे हमारी गुजारिश है। अभी इलेक्शन आने वाले हैं, 2019 में 2 इलेक्शन आने वाले हैं, लोकसभा के इलेक्शन में और फिर बाद में महाराष्ट्र विधानसभा के इलेक्शन, उसको लेकर के भी हमने देखा है बहुत सारे ग्रुप्स क्रिएटेड हैं, सियासी दंगल ग्रुप 1, सियासी दंगल ग्रुप 2 और असेंबली ग्रुप 2019 और एक्स वाई जेड, मैं बाकी नाम नहीं लूंगा, बाकी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड ग्रुप्स हैं। तो डेमोक्रेसी में आप देख रहे होंगे नेशनल लेवल पे भी डेमोक्रेसी में डिबेट्स, ये वाद विवाद युक्तिवाद सब होता रहता है। 9 बजे आप न्यूज चैनल खोलेंगे, हर न्यूज चैनल पे हर पॉलिटिकल पार्टी का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव बात करके अपने पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से व्यू बनाता रहता है। बट डेमोक्रेसी में राजनीति के स्तर उस स्तर के नीचे जाकर के किसी को भी कोई कमेंट पोस्ट करने का किसी को नहीं। आपको संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है बट उसमें भी बहुत सारी 6 रिस्ट्रिक्शंस हैं। आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसमें 6 रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं संविधान ने कि किस किस अंतर्गत आपको वो आजादी नहीं। तो इससे कुछ भी नहीं होता है, हम किसी का भी बदनामी करें, किसी की भी बेइज्जती करें, हम हमारे मन पे जो आता है वो व्हाट्सएप के ऊपर लिखिए, वो व्हाट्सएप के ऊपर से फॉरवर्ड करें, वो चला है,
कुछ भी नहीं होता है। तो फिर कायल ने अपना काम बता दिया है, तो हमें पुलिस डिपार्टमेंट के तौर से हमारी यही अपील है कि जो समझदार आदमी है वो तो समझाने से समझ जाता है, अगर जिसको उससे भी समझ नहीं आती है, जिसको उससे भी कोई उसके बताव में फर्क नहीं पड़ता है, तो कानून की सख्त अमल बजाओगे, कानून का सख्त अमल इससे आगे हो जाए।